भारतीय टीम को 7 जून से लंदन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है। उससे पहले सभी खिलाड़ी वहां पहुंचकर अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। वहीं उससे पहले टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच ने अंबाती राइडू को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए खलबली मचा दी है। साथ ही साथ उन्होंने इशारों में पूर्व कोच रवि शास्त्री और पूर्व कप्तान विराट कोहली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कुंबले ने अंबाती राइडू के रिटायरमेंट पर बड़ा बयान देते हुए बताया कि 2019 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने उन्हें न चुनकर बहुत बड़ी गलती की थी। परिणाम स्वरूप इसके बाद राइडू ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। गौरतलब है कि साल 2018 में अंबाती राइडू ने टीम इंडिया में वापसी की थी। वह साल 2019 वर्ल्ड कप से पहले तक कई मौकों पर टीम इंडिया के लिए नंबर 4 की समस्या का बड़ा समाधान करते हुए नजर आए थे, लेकिन अचानक वर्ल्ड कप से पहले उन्हें बाहर कर दिया गया। वर्ल्ड कप टीम में भी एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने विजय शंकर को मौका दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर राइडू का 3D चश्मे वाला ट्वीट काफी चर्चा में भी रहा था। कुछ दिनों बाद राइडू ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे वापस लिया और साल 2022 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। फिलहाल आईपीएल 2023 के बाद उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए।